बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर के पहले लिस्ट जारी करेगी बीजेपी 12:30 बजे। यूपी को लेकर बीजेपी मुख्यालय में इसका ऐलान किया जाएगा। दोपहर 12:30 बजे बीजेपी की पहली लिस्ट आ जाएगी, उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने वाली है बीजेपी। कईयों के टिकट कटेंगे, कईयों पर एक बार फिर से भरोसा व्यक्त किया जाएगा। इसके साथ ही जातिगत समीकरण को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है, उस पर भी गणित बिठाया गया है और इसी हिसाब से लिस्ट फाइनल की गई है, इसी हिसाब से लिस्ट तैयार की गई है, जो कि 12:30 बजे बताया जा रहा है कि उसका ऐलान हो जाएगा। बीजेपी की पहली लिस्ट फाइनल हो चुकी है, उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज बीजेपी जारी कर देगी। देखना महत्वपूर्ण होगा कि कौन से बड़े नाम इसमें शामिल होंगे। संवाददाता रविंद्र तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। रविंद्र, क्या अपडेट है फिलहाल? 12:30 बजे लिस्ट फाइनल हो चुकी है, उसका ऐलान हो जाएगा क्या? बिल्कुल, 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जो चुनाव प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं अरुण सिंह, इन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 12:30 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर में। और इसमें बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के लिए कम से कम 3 फेज के उम्मीदवारों के अधिकतर नाम इसमें जारी कर दिए जाएंगे। माना जा रहा है कि 2 फेज के 90% और 3रे फेज के भी अधिकतर उम्मीदवारों के नाम इस सूची में जारी होंगे, क्योंकि आपने देखा कि उस दिन जिस दिन कोर कमेटी की बैठक थी और सीसी की बैठक जो हो रही थी, उसी दिन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि 172 नामों पर हमने चर्चा कर ली है, 172 नामों में से अधिकतर नामों की सूची आज जारी कर दी जाएगी। ठीक है, अगर पहले फेज की अगर हम बात कर लें, पहली लिस्ट की बात कर लें, क्या हो सकता है? सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम का भी नाम इसमें हो सकता है? देखिए, पहली सूची में माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का नाम अयोध्या से होगा, क्योंकि आपको याद होगा 2014 में जब लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा हुई थी और उम्मीदवारों की घोषणा हो रही थी, तो सबसे पहला नाम जो पहली सूची जारी हुई थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। तो उसी अंदाज में कहा जा सकता है कि लोग उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भी जो सूची अभी जारी हो रही है 12:30 बजे, इसमें योगी आदित्यनाथ का अयोध्या से पहला नाम होगा। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य जो खुद कहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो उनका भी नाम इस सूची में हो सकता है, होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा श्रीकांत शर्मा जो मथुरा से हैं, अतुल गर्ग जो मंत्री है, इनका भी गाजियाबाद से होगा। इस तरह से तमाम सुरेश राणा जो है, इनका भी नाम होगा, जो इस क्षेत्र के मंत्री हैं उनके सभी के नाम होने की इसमें संभावना जा रहा है। जो सीटिंग विधायक है उसमें जो बहुत कम लोगों को ही टिकट काटा गया होगा, और जो बताया जा रहा है कि बहुत कम सीटों में विधायकों की टिकट काटा गया है, और अधिकतर की कोशिश की गई है जिनका एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है उन्हीं का टिकट काटा गया है। जो जीत सकते हैं, ऐसी संभावना जिनके बारे में है, उनकी सीटें भले ही बदल दी गई हो लेकिन उनका टिकट नहीं काटा जा रहा है, ऐसा पार्टी के बड़े नेताओं ने भी जानकारी दी थी। और अरविंद, 300 से ज्यादा सीटों पर मंथन पार्टी कर चुके हैं इस मीटिंग में, करीब 172 ऐसे नाम है जो कि फाइनल हो चुके हैं, लेकिन पहले और दूसरे चरण की अगर बात कर लें तो क्या अभी भी उस पर पेच फंसा हुआ है? दूसरे दलों के नेताओं के साथ बातचीत चल रही है क्या दिल्ली में? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए कि जिस तरह से बीजेपी से कई बड़े नेता समाजवादी पार्टी में गए हैं, और इसी तरह से संभावना है कि बीएसपी के एक पूर्व मंत्री रहे हैं, बड़े चेहरा है बीएसपी के, वो बीजेपी में आजकल में शामिल होंगे, उनको टिकट दिया जा सकता है। इस तरह से इस क्षेत्र से जो समाजवादी पार्टी के भी एक बड़े नेता हैं, उनके भी बीजेपी में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि जो टिकट जो जारी हुआ हो रहा है 12:30 बजे, इसमें आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने जो टिकट कल जारी किया खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसको भी ध्यान में रखा गया और रात भर इसमें मंथन किया गया है, ये बताते जो जानकारी मिल रही है। उसके बाद ही थोड़े बहुत फेरबदल किए गए, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, इसमें जैसे नोएडा से पंकज सिंह भी हो सकते हैं का नाम होगा, सरदाना से संगीत सुंग नाम होगा, लक्ष्मी नारायण चौधरी होंगे, अतुल गर्ग गाजियाबाद से होंगे, अतरौली से कल्याण सिंह के जो पौत्र हैं संदीप सिंह उनका नाम होगा, मथुरा से श्रीकांत शर्मा का नाम होगा। इस तरह से कई इस सूची जो हो रही है लगभग 160 उम्मीदवारों की जो जारी होने की संभावना है, उसमें बड़े चेहरे होंगे मुख्यमंत्री के अलावा। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, और बड़ी बात यही है कि बीजेपी के पास इस बार खूब फायर ब्रांड नेता मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, अपडेट लगातार हम तक पहुंचाएगा। तो उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी बीजेपी आज करने वाली है। हमारे दो रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए, उन्हीं का रुख कर लेते हैं, जब्बार खान और शुभम तमाम जानकारी के साथ जुड़ गया। सबसे पहले जब्बार, आपका रुख कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास इस बार अच्छी बात यह है कि खूब फायर ब्रांड नेता मौजूद हैं। पहली लिस्ट आज जारी हो जाएगी, 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है
किन किन का सीट पक्की मानी जा रही है, किसका टिकट कटना तय माना जा रहा है, क्या संभावित सूची है आपके पास? देखिए अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल ऑफिस से 12:30 बजे के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मैसेज जारी किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान और अरुण सिंह की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। माना ऐसा जा रहा है कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूची जारी हो सकती है। जो संभावित नामों का जो आप जिक्र कर रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपनी ही परंपरागत जो सीट है उनकी सिराथू से वहीं से वो लड़ेंगे, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए, जैसा कि अयोध्या के लिए फाइनल सीट बताई जा रही है कि वहां से चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। 172 नामों पर जिस तरीके से मंथन हुआ, दिल्ली के अंदर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चली, 3 दिन तक मंथन हुआ और उसके बाद में मंथन के बाद में नामों को फाइनलाइज कर लिया गया, अंतिम मोहर लग चुकी है। आज एक तरफ अखिलेश यादव 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे, तो उसी वक्त में दूसरी तरफ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल हेडक्वार्टर में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया जा रहा है। संभावित नामों का जहां तक इस वक्त चर्चा है, कई सारे ऐसे नाम है जो बड़े कद्दावर चेहरे हैं, उनके नामों के बाबत जानकारी दी गई है। अब से थोड़ी ही देर के बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी उसमें तमाम नामों का ऐलान किया जाएगा, ऐसा इस वक्त कहा जा रहा है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे, शुभम का भी रुख कर लेते हैं। शुभम, क्योंकि अभी इस पर विचार विमर्श मंथन चल ही रहा है, लेकिन क्या लगता है जो पहले लिस्ट जारी होगी शुभम, उससे बीजेपी एक बड़ा झटका देने की कोशिश करेगी बीएसपी और एसपी को, जो अभी दल बदल की राजनीति चल रही है उसको लेकर? देखिए निश्चित तौर पर 2012 की बात करें, थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा आपको कि 2012 और 14 की बात करें तो उस समय तक जाट और दलित ये जो गठबंधन था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो टूट गया था, जिसका 2014 में भारतीय जनता पार्टी को लाभ हुआ, फिर 2017 में फायदा हुआ। लेकिन इस बार चूंकि 2022 में किसान का मुद्दा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा एक समय तक रहा, लेकिन जब ये किसान बिल वापस हुआ तो उसके बाद भी ये नल एंड वॉइड की तरीके से मुद्दा दिख रहा है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेगी कि उन चेहरों को जगह दी जाए जिससे कि ये सीट पूरी तरह से एक आसान रास्ता भारतीय जनता। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज पहली सूची जारी कर दी जाएगी। पहली सूची में मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी यूपी के ज्यादातर सीटों के उम्मीदवारों के नाम अनाउंस कर दिए जाएंगे। जैसे अगर मैं नोएडा की बात करूं तो नोएडा के जो विधायक है पंकज सिंह वो रिपीट कर जाएंगे, तेजपाल नगर दादरी के विधायक है वो रिपीट कर जाएंगे, जेवर के विधायक है धीरन सिंह वो रिपीट कर जाएंगे, इसके अलावा गाजियाबाद के विधायक है अतुल गर्ग वो रिपीट कर जाएंगे, साहिबाबाद के विधायक है सुनील शर्मा वो रिपीट कर जाएंगे, लोनी के विधायक हैं नंद किशोर गुज्जर वो रिपीट कर जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बुढ़ाना की बात कर लूँ, मुजफ्फरनगर में आता है तो वहाँ के विधायक हैं उमेश मलिक वो रिपीट कर जाएंगे, मेरठ शहर से पिछली बार जिस व्यक्ति को टिकट मिला था वो 50,000 से ज़्यादा वोटों से हारे थे तो इस बार वहाँ का टिकट कटेगा, और इस बार जो टिकट मिल रहा जिसके नाम की घोषणा होनी है वो सुनील भराला है जो कि बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता है और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी थे उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे कई लोग हैं जिनको या तो पिछली बार करारी हार मिली थी या जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं था, उसमें नाम बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज पहली लिस्ट जारी होगी। जैसा कि शुभम आप भी बता रहे थे कि जातिगत समीकरण भी पूरी तरह से साधा जाएगा और इस लिहाज से पूरी कोशिश की जाएगी कि पहली लिस्ट को बनाया जा सके।